संतोष और मैं स्वागत करता हूँ आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसी रेसिपी जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में हम पथरा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में पथरोडू कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा में पथरोडो कहते हैं और कर्नाटका में इसे पथरोडे कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टैरो लीव यानी कि अरबी के पत्ते, और इसे बेसन से भी बनाया जाता है और इसे चावल पीस के भी बनाते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उड़पी और मैंगलोरियन स्टाइल है क्योंकि हम बनाएंगे चावल पीस के। चलिए देखते हैं पथरोडे। पथरोडे बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे बैटर। बैटर के लिए हमें चाहिए रॉ राइस 2 कप, मेथी के दाने 1 टेबलस्पून, इन्हें हमें अच्छी तरह धो लेना है और फिर हम इसे 7 से 8 घंटे तक हम पानी में सोख कर लेंगे। फिर हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ नारियल 1 कप, 15 रेड चिलीज, 1 टेबलस्पून जीरा, ये सब हम एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे। हमें इसे महीन पेस्ट नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा दरदरा पीसना है। पीसते वक्त हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक भी। और फिर हमें इसे रात भर छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इमली पानी भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। तो बैटर तैयार होने के बाद हम तैयार करेंगे अरबी के पत्ते यानी टैरो लीव्स। इसे हमें पीछे के हिस्से में जो उसका जो मोटा वेन होता है वो हमें एक नाइफ की मदद से काट के निकाल लेना है। तो ये हम इसके पीछे के हिस्से में देखते हैं कि थोड़ा मोटा मोटा वेन है, वो हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम उसके पीछे के साइड में अच्छी तरह बैटर स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप पहली बार ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि बैटर बहुत ही चिली होगा तो आपके हाथों को वो नुकसान दे सकता है, हाथों में आपके बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। तो हमें एक के ऊपर एक पत्ता रखे इसके एक लेयर बना लेना है। तो नीचे में हम रखेंगे बड़ा पत्ता और फिर इसके ऊपर हम छोटे छोटे पत्ते रखेंगे और अच्छी तरह हमें इसे बैटर स्प्रेड कर लेना है। जब 7 से 8 पत्ते का लेयर हो जाए तो फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो पहला हम लेंगे लंबा साइड, फिर हम इसे सेंटर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर नीचे से हम इसको ऊपर की तरफ रोल कर लेंगे। तो इससे एक सिलेंडर का शेप हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर के हिस्से में भी हम थोड़ा बैटर अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पत्तों को भी फोल्ड करके हम इसे सिलेंडर जैसा शेप दे देंगे। अब हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए हम एक लेंगे स्टीमर पॉट, उसमें हम थोड़ा पानी भर देंगे। जब पानी खोलना शुरू हो जाए हम उसके ऊपर रखेंगे स्टीमर और स्टीमर के अंदर हमने जो पथरोडे फोल्ड करके रखे थे वो हम डाल देंगे और फिर हमें इसे 40 टू 45 मिनट तक स्टीम करना है। हो चुके हैं, अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए हम एक लेंगे नाइफ और इसके अंदर हम इसे इंसर्ट करके देखेंगे कि कहीं बैटर नाइफ में चिपक रहा है कि नहीं। अगर नाइफ बहुत ही क्लीन बाहर आ रहा है इसका मतलब कि बैटर अंदर की तरफ भी अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही गर्म है तो हम 2 फोक की मदद से इसे हम बाहर निकाल लेंगे और अब देखते हैं इसकी प्लेटिंग।
पहले हमें इसके फोल्ड्स को खोल लेना है। खोलने के बाद हमें इसके ऊपर डालना है मक्खन। मक्खन के साथ दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो मैं आपको एक पीस काट करके दिखाता हूँ कि ये कितना लाजवाब है। तो दोस्तों अब आपने पत्रोड़ की रेसिपी देख ली, तो आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और इसका जो बैटर जो बच जाएगा वो आप इसे डोसा भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इसका बैटर से डोसा कैसा लगता है। तो ये है पत्रोड़ की बैटर से बना हुआ डोसा, और जो पत्रोड़े बच जाते हैं नेक्स्ट डे आप उसे काट करके छोटे छोटे पीसेस में उसका उपमा भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू।